नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे ही जयपुर नगर निगम के चुनाव की घोषणा हुई, हर जगह हर वार्ड की बात करें, चुनावी चर्चा दिखाई दे रही है, चुनावी माहौल भी बना है। हम आज बात करेंगे वार्ड नंबर 53 की। यहाँ पर परबल दावादार से खास मुलाकात करेंगे मोतीराम चोपड़ा से और सिद्धेश छट्टी सवाल से। जानेंगे उनके उद्देश्य क्या है, अगर वो जनप्रतिनिधि बनते हैं तो किस प्रकार के विकास के लेके उनकी सोच है, क्या उद्देश्य है, वो भी जानेंगे। दोस्तों, अगर आपके वार्ड में जनता की आवाज़ की टीम नहीं पहुँच पा रही है तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सर, सबसे पहले जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद आपको। सर, हम कहीं पर भी दावेदारी करते हैं जनप्रतिनिधि, तो एक राजनीति सब्जेक्ट जुड़ जाता है, तो आपने राजनीति में क्यों चुने, या क्या हालात हुए कि आपने राजनीति में कदम रखा? सर, सबसे बड़ी राजनीति मेरा जो कदम रखने का उद्देश्य था वो थी जनसेवा, और यहाँ जनसेवा के अंदर विकास के काम। ये एक पीआरएन का ऐसा इलाका था जिसमें करीब करीब 15-20 साल से यहाँ की कॉलोनी के अंदर विकास के, जो पानी का मुद्दा ले लो, बिजली का ले लो, नियमन का ले लो, और यहाँ पर जो भी कचरे की समस्या थी, डाक विभाग की समस्या थी, परिवहन की समस्या थी, एजुकेशन के लिए विद्यालय की समस्या थी, इन सबको समस्याओं को लेकर मैंने यहाँ पर इस राजनीति के अंदर ज्वाइन किया राजनीति को। भाई, इनकी समस्याएं जनता की, जो भी जनता का जो काम है उसको ऊपर ले जाके काम करवाने के लिए, कड़ी के रूप में मैंने काम करने के लिए ये ज्वाइन किया है जनता के लिए और राजनीति में आया हूँ। सर, जैसे कि एक और बात जाना, जैसे हम दावेदारी करते हैं तो वहाँ की जनता की हमें बारीकी से पता होना चाहिए, जनता की क्या समस्या है, जनता की क्या रिक्वायरमेंट। आपने बताया यहाँ की बहुत सारी समस्या है, लेकिन एक बार विशेष तौर पर बताइए, जैसे नया वार्ड बन गया 53 नंबर, तो इसमें मूलभूत कौन कौन सी समस्या है और जनता की क्या रिक्वायरमेंट, आपको जनता किस प्रकार अपनी दुख पीड़ा सुना रही है? सर, यहाँ जो मैं गया हूँ, सब कॉलोनी में जा रहा हूँ जैसा, और स्थानीय निवासी, मेरे को तो पता है यहाँ समस्याएँ क्या क्या है। मूल रूप से समस्या निकल के आई है वो है यहाँ पर, जैसे कचरे की गाड़ी है वो टाइम पर नहीं आती है, ऊपर यहाँ पर टाइम पर नहीं आता है, जो सबसे मोटी समस्या है। उसके बाद यहाँ सीवरेज के लिए पानी के लिए सब पानी निकलता है, जेडी द्वारा कई जगह रोडें बनाई गई है लेकिन वो सीवरेज का नहीं, पानी रोड के ऊपर भरा रहता है। ये सबसे मोटी समस्या है सीवरेज की है, जो फर्स्ट समस्या है। फिर सेकंड के अंदर यहाँ परिवहन के लिए, बस के लिए यहाँ से पैदल चल के करनी पहले से पार करके आदि वहाँ बैठता जाके, इससे पहले यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है बस की किसी चीज़ की, तो सबसे परिवहन की सुविधा इस इलाके के अंदर हो। डाक के अंदर यहाँ डाकघर सिरसी रोड पे, इस वार्ड के आसपास कोई डाकघर की सुविधा भी नहीं है, डाक के लिए बड़ी परेशानी होती है। इन समस्याओं को लेकर मेरे को सब जनता ने इस बात का कहा है। एक नियमन का है, हाई टेंशनों की समस्या, हाई टेंशन जैसे यहाँ पर मोटा जो तौर पर जो हाई टेंशनों की चीज़ आई है पीआरएन के अंदर, कि यहाँ पर इनको डिसाइड करके कैसे भी गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करना है, जिस प्रकार करना है, जहाँ श्यामनगर में 80 फुट है कुछ करके जो डिसाइड 80 करके, और इनको कॉलोनी वालों को पट्टे मिले और इनके नीचे रोडें बने। तो जैसे कि जनता के मन में भी हम भी जानना चाहेंगे कि जनता जानेगी, अगर भारी मतों से विजय बनाते हैं, बहुमत देके, तो सबसे पहले कौन से कार्य से शुरुआत करोगे? सर, मेरा सबसे पहले प्राथमिक कार्य रहेगा कि टाइम पर कचरे की गाड़ी हर घर हर गली के अंदर पहुंचे, कचरा स्वस्थ, सब स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि इस मोड आप विश्व के अंदर महामारी कोरोना से तो जो फैली हुई है महामारी, उसको देखते हुए और सबसे बड़ा स्वास्थ्य सबका सही हो, कचरे की गाड़ी घर घर पहुँचे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद मेरा सीवरेज का काम रहेगा, घर घर सीवरेज डलवाने का, रोडों में सब जगह सीवरेज डाले। जैसे कि रास्ता में कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ को लेकर उन्होंने बताया। सर, जनता जैसे आपको देख रहे हैं, समस्त वार्डवासी देख रहे हैं, माताएं बहनें भी देख रहे हैं, युवा साथी भी देख रहे हैं, आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई संदेश चुनाव को देखते हुए? सभी को मैं एक ही कहना चाहता हूँ, आपकी जो भी समस्याएँ हैं, जो आपकी समस्याओं के मैं प्रति खरा उतरूँगा और आपके जनसहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। जैसे इन्होंने बताया, इनके विचार किस प्रकार के लगे, कमेंट द्वारा जो बताए, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट द्वारा जो बताए। एक सभी से निवेदन करूंगा, मतदान अवश्य करें, मतदान 100% होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे मेरे एक वोट से क्या होगा, वो तो वैसे ही जीत जाएंगे। बता देता हूँ, आपके एक वोट से आपके शहर की सरकार बनेगी, आपके एक वोट से तो हो सकता है आपके मोहल्ले में विकास की लहर भी आ जाए। तो सभी से निवेदन करूँगा, मतदान अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।